लेकिन जायज माने हैं उनको पूरी की जाए, लेकिन अभी तक ना तो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हुआ है और ना ही शिक्षकों की कोई समस्या का समाधान होते हुए इन दिनों दिख रहा है। देखिए, शिक्षकों की कोई भी कोटी हो, चाहे वो बीपीएससी पास शिक्षक हो, सक्षमता देने वाले शिक्षक हो, सक्षमता नहीं देने वाले शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, टोला सेवक हो, तालीम मरकज हो, किसी भी प्रकार के शिक्षक जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इन दिनों समस्याएं ही समस्याएं हैं। वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार कष्ट में रह रहे हैं, लेकिन उनका समस्याओं का समाधान होते हुए नहीं दिख रहा है। ऐसे में बिहार की राजधानी पटना में आनंद कौशल सिंह की टीम, जी हाँ, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक 7 जुलाई 2024 दिन रविवार को पटना में संपन्न हुई। बैठक में किन बातों पर चर्चा हुई, बैठक के मुख्य मुद्दे कौन कौन से थे, तमाम बातें आप स्वयं आनंद कौशल सिंह की जुबानी आगे इस वीडियो में सुनेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे कि चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। साथ ही आपको यह भी कहना चाहेंगे कि इस बैठक में आनंद कौशल सिंह ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि अब शिक्षक संगठनों को हो हंगामा हल्ला करने के बजाय शिक्षकों की समस्याओं के समाधान पर बल देना चाहिए, बोलना कम और काम ज़्यादा करने पर फोकस करना चाहिए। ऐसे में एक संक्षिप्त संदेश, बिल्कुल शॉर्ट मैसेज शिक्षकों के लिए बैठक समाप्ति के बाद आनंद कौशल सिंह ने दिया है, जो आपको आगे इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं। आगे आनंद कौशल सिंह की पूरी बातें जरूर सुने और शिक्षकों की आवाज को मजबूती देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। तो सुनिए शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह की बातें। आज बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की राज्य इकाई की बैठक हुई है, महत्वपूर्ण बैठक थी। बिहार के सभी जिलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। बिहार में शिक्षकों के समक्ष बहुत समस्या है, उसका समाधान कैसे करना है, कुछ विपरीत परिस्थिति भी हाल के दिनों में उत्पन्न हुई है और लगातार हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं उनको पूरी की जाए, लेकिन अभी तक ना तो हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हुआ है और ना ही जो समस्या है ज्वलंत हमारे सामने खड़ी है उसका लेकर ही कोई समाधान हुआ है। तो आज ठोस रणनीति बनाया गया है, परिस्थिति कितना भी विपरीत क्यों ना, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के एएसी कार्यकारी पदाधिकारी, उनसे जुड़े हुए सभी संगठन के सदस्य हर हालत में अपना समस्या का समाधान कराने का संकल्प आज लिया है और उसके लिए आने वाले दिनों में सभी लोगों को जो प्रयास हो रहा है वो दिखेगा भी। तो आज की बैठक थी, उसमें तमाम बिहार के सभी क्रांतिकारी साथी आए थे और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ और बिहार के लाखों शिक्षक भाई बहन को कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी हकमारी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उसको लेकर के हम लोग संकल्पित हैं कि आपके हर समस्या का समाधान कराया जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारे भाई आनंद कौशल जी को सुना, पूरी अपडेट उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हमने बैठक जो है संपन्न कर ली है, आगे की रणनीति जो है वो तैयार कर ली है और अब नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जल्द से जल्द उन्हें सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी और जितने भी मुद्दे थे उन पर गंभीरता से चर्चा और तमाम बातें जो है क्लियर हो चुकी है। तो वीडियो को शेयर, लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से लगातार बने रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय।